व्यू आसन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माँ पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ETG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का मातंगी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। मातंगी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। हमें अपने मंजिल पर पहुंचाने के लिए माता मातंगी की साधना करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, सरकारी काम में तरक्की करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको मातंगी की साधना करनी ही चाहिए। क्योंकि मातंगी की साधना करने से आपके अंदर की जो योग्यता होती है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। योग्यता बढ़ने पर ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मातंगी साधना 2 दिन का वज्रेश्वरी में होने जा रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धनदा यक्षिणी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिवाली के शुभ मुहूर्त पर या किसी भी अमावस्या ग्रहण के मुहूर्त पर यह एक दिन का प्रयोग अगर किया जाए तो इसके द्वारा हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने माता लक्ष्मी के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं धनदा लक्ष्मी। ये जो साधना है, इनकी जो उपासना हम करते हैं, इस उपासना का महत्व दिवाली के दिन में, अमावस्या के दिनों में या ग्रहण के दिनों में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण है कि आप पूरी मेहनत से, पूरे मन लगा के आप अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, अपने जीवन को सुखी व समृद्धि प्रदान करते हैं, अपना आपका पारिवारिक जीवन को आप सुखमय बनाते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में उन्नति प्राप्त करते हैं, आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहते हैं। इस तरह के लोग दिवाली जैसे मुहूर्त का, अमावस्या जैसे मुहूर्त का, ग्रहण जैसे मुहूर्त का इंतजार करते हैं। इनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी हंसी को, आपके खुशहाल जीवन को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे समय पर ये लोग दिवाली का मुहूर्त, अमावस्या का मुहूर्त या ग्रहण का मुहूर्त, इन मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं। इस मुहूर्त में ये आपके प्रोफेशन सिस्टम को, आपके खुशहाल जीवन को, आपके खुशहाल व्यापारिक जीवन को, भौतिक जीवन को ब्लॉक करते हैं। इसलिए आपको मैं उसी का तोड़ बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है धनदा लक्ष्मी। ये एक दिन का प्रयोग है। अगर आपके ऊपर व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, नौकरी के रूप से ब्लॉकेज आए हैं, बंधन कर दिया है किसी के द्वारा, तो आप इस दिन ये उपाय करें। ये उपाय करने से जहां आपकी आर्थिक वृद्धि होगी, भौतिक वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन बढ़ेगा, व्यापारिक जीवन बढ़ेगा, हर तरीके से सुख संपदा की प्राप्ति होगी, वहीं पर जो इस तरह के विचारधारा के लोग हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं, आपके दुकान व्यापार को रोकने की कोशिश करते हैं, आपके तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। और उसी विधि को कहा गया है धनदा लक्ष्मी साधना। इसी साधना की चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक दिन का प्रयोग है, सिर्फ एक दिन। अगर किसी कारण से आप दिवाली के दिन नहीं कर पाए, तो आप इसको किसी भी ग्रहण के दिन या अमावस्या के दिन, सूरज डूबने के बाद इस साधना को कर सकते हैं। ये एक दिन की साधना। तो आइए जानते हैं इस साधना की विधि। सिंपल विधि है। किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, और अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें, बैठ जाएं, अपने सामने
लाल कपड़े पर माता लक्ष्मी की फोटो रख दें और अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा पिंच करें, यानी से हल्का सा पिंच करें, और पिंच करने के बाद इस जगह पर दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए धनदा लक्ष्मी बीज मंत्र, याद रखिए मैं मंत्र की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, धनदा लक्ष्मी बीज मंत्र। बीज मंत्र की पहचान ये होती है कि इसमें ओम नहीं लगाया जाता, सिर्फ बीज मंत्र होते हैं। तो धनदा लक्ष्मी बीज मंत्र, ऐं रीम श्रीम क्लीम, ऐं रीम श्रीम क्लीम, याद रखिए ये चार बीज मंत्र हैं। ऐं रीम श्रीम क्लीम, ऐं जो है माता सरस्वती का बीज मंत्र है, रीम जो है ये आपकी शक्तियों को बढ़ाने का कार्य करता है, श्रीम जो है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्लीम जो है ये काली का भी बीज मंत्र माना जाता है और आकर्षण का भी बीज मंत्र माना जाता है। तो आपको मंत्र जपना है ऐं रीम श्रीम क्लीम, ऐं रीम श्रीम क्लीम, ऐं रीम श्रीम क्लीम। आप उसको ऐं भी बोल सकते हैं, ऐं भी बोल सकते हैं, ग भी लगा सकते हैं, म भी लगा सकते हैं, तो ऐं रीम श्रीम क्लीम ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ऐं रीम श्रीम क्लीम ऐसे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से मंत्र का जाप करें, दोनों पद्धतियां सही हैं। ये मंत्र आपको 31 माला जाप करना है, 31 माला का जाप करना है, सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। इसके बाद दूसरे दिन आप किसी को भोजन दान कर दें, पैसे ना दान करें, अगर पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इस मंत्र को किसी भी तरीके से आप जाप कर सकते हैं, उपांशु जाप यानी धीमी आवाज़ में जाप करें, यानी जोर से आवाज़ ना निकले आपके मुंह से। इस मंत्र का जाप करने के बाद मैंने कहा जब किसी को भोजन करवा दें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह मंत्र इन विशिष्ट मुहूर्त में जब जप किया जाता है तो इससे निकला हुआ वाइब्रेशन, इससे निकला हुआ कंपन आपके शरीर में अगर कहीं भी किसी भी किस्म का ब्लॉकेज है तो उसे दूर करने का कार्य करता है, और इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके अंदर बनी रहती है। और इसी के साथ जो विघ्न संतोषी लोग जो होते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके व्यापार को, आपके नौकरी को, आपके विवाहित जीवन को, आपके सुखमय जीवन को, आपके भौतिक जीवन को, आपके सांसारिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को जो दुख पहुँचाने की इच्छा रखते हैं, वे सफल नहीं हो पाते, इसलिए इस बीज मंत्र का 31 माला का जाप करें। बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि आपकी हर तरह की इच्छाएं पूरी होती चली जा रही है, आपके कामों में जो रुकावटें हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, और आपको पूरी तरीके से उसका लाभ मिलता चला जा रहा है। इस तरीके से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं इसके कुछ विशिष्ट नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें, पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुड़ के जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा कोयला चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान मद्यपान व्यसन मांसाहार से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।